फणीपुर पर मरहम या फिर सियासत गरम, हल्लाबोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं, चूरा चांदपुर में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वाकई पीड़ितों के घाव पर मरहम लगा रहे हैं या ये सब कुछ एक सियासी ड्रामा है जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल सिर्फ संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं। संसद में पीएम मोदी कह चुके हैं कि सरकार हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ तत्व तो मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई आग में घी डाला जा रहा है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी का किसी खास घटना पर अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड होता है, दोनों ही पार्टियों का। आज हम इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। मोदी 3.0 को एक महीना हुआ है और विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में पूरी ताकत लगा रहा है। हाथरस से लेकर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं और ऐसे हर मौके पर बीजेपी राहुल गांधी से पूछने में जुट गई है कि राहुल गांधी को यूपी का हाथरस और मणिपुर तो दिख रहा है, लेकिन तमिलनाडु में अगर जहरीली शराब से लोगों की जान जाए या दलित की हत्या हो तो राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। सबसे पहले बात राहुल के मणिपुर दौरे की। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है। आज प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे पर गए हैं और राहुल गांधी असम पहुंचे और फिर मणिपुर। कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमले करती नजर आई और बीजेपी ने सवाल पूछा कि अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं, क्या अब भी मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं, ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बार ही है और ये दिखाता है। और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है, चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं, ये ठीक है क्या, ये हम कहना चाहेंगे। मणिपुर को आपने, राहुल गांधी ने इससे पहले संसद में भी मणिपुर का मुद्दा उठाया था। वहीं पीएम ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में मणिपुर के मुद्दे पर कहा था कि सरकार हालात सामान्य कर रही है और विपक्ष उकसा रहा है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। जब विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था तब भी बीजेपी ने तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत पर राहुल गांधी की चुप्पी का मुद्दा उठाया था और अब बीएसपी नेता की हत्या पर भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। अपनी पार्टी के नेता की हत्या के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी तमिलनाडु पहुंची और सीबीआई जांच की मांग की। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस गठबंधन की साथी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं, इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुची में, अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते, सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला।
अब सवाल यह है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में अगर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह चिंता है या पॉलिटिक्स, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है। आज तक ब्यूरो। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताया कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। पूरा मुद्दा यह है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि किसी एक राज्य में होते हैं, अब उस राज्य में किसकी सरकार है इस पर असर पड़ता है कि कौन उस पर बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। जब तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत का मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी इस पर चुप, क्योंकि वहां डीएमके की सरकार है और वहां कांग्रेस गठबंधन की उनकी साथी है। हालांकि इधर देखिए बीजेपी, वो इस मुद्दे को उठाती है। जब आप पहुंच जाइए हाथरस सत्संग भगदड़ में तो 121 लोगों की मौत पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के नेता बोलते हैं। वहीं बीजेपी के नेता वहां पर मतलब मुख्यमंत्री तो वहां पर गए, वहां पर लोगों से बातचीत भी की, लेकिन खुलकर उस मुद्दे को उठाना या फिर उस बाबा के खिलाफ बोलना, उससे बीजेपी बचती हुई नजर आती है। अब देखिए आप संदेश खाली का मुद्दा, जहां पर कांग्रेस चुप हो जाती है वहां पर बीजेपी बोलती है। एक अधीर रंजन जरूर वहां बंगाल में बोलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनके साथ पार्टी साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो ये अपने अपने मुद्दे, अपने अपने सबका स्टैंड, कहां पर किसकी है सरकार, इसकी वजह से मुद्दे उठते हैं या दबा दिए जाते हैं या चुप्पी साध ली जाती है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ पक्ष रखेंगे। लेकिन आज चूंकि सिर्फ टक्कर है आप दोनों के बीच में तो सब अपनी अपनी बारी में बोलिए और अपनी अपनी बात अच्छे से रखिए। गौरव भाटिया जी, आपका वक्त शुरू होता है। आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा सियासी ड्रामा है, उकसाना है, कैसे, क्यों? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये जो विचारधारा की लड़ाई है भारत की जनता, भाजपा एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध, ये लोग मिट्टी का तेल लेके चलते हैं। तो मिट्टी का तेल वर्सेस मरहम लगाने का काम, और मैं क्यों कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, जो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, उसका विस्तृत वर्णन नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे किया, जो आपकी रिपोर्ट भी अभी दिखा रही थी।